लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले, क्या होता है समुद्र के बीच, क्या बताया माँ ने। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपके लिए ना एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पिछले काफी वक्त से ना प्रभास अपनी फिल्म सलार के लिए चर्चाओं में है। सलार में प्रभास का एक दमदार रोल देखने को मिलने वाला है। सोर्सेस की माने तो ये फिल्म 70 और 80 के दशक की कहानी बताती नजर आएगी। फिल्म में प्रभास के अलावा श्रुति हसन, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे एक्टर्स शामिल होंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1970 के शुरुआती दिनों से, जहां अब भी हिंदुस्तान में कच्चे माल और दूसरे जरूरी सामानों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए समुद्र को अपना आधार बनाया था। इसी समुद्री रास्ते से विदेश से कई सामान हिंदुस्तान आते थे, तो कई हिंदुस्तान से बाहर जाते थे। लेकिन इसके बीच ही ना एक कहानी बहुत फेमस है कि रात के अंधेरे के बाद अगर कोई भी जहाज समुद्र से गुजरता था या फिर घूमता मिल जाता था, तो उसे समुद्री लुटेरे लूट लेते थे। और उसके बाद ना तो कभी उस जहाज का पता चलता था और ना ही उसमें मौजूद लोगों का। बंदरगाह से कुछ ही दूर एक गांव है, जहां के लोग ना अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बंदरगाह पर आने वाले सामान को जहाज से उतारते और चढ़ाते हैं। और इसी काम में कई छोटे बच्चे भी शामिल है, जिसमें से एक है राजा। राजा 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 यानी आर्यन तल्ला की माँ कस्तूरी यानी ईश्वरी राव उससे हवास लगाती है। कस्तूरी राजा को पूरे गांव में खोज लेती है, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं होता। तभी कस्तूरी को ना एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। कस्तूरी उससे पूछती है, ए छगन, तुमने कहीं राजा को देखा है क्या? छगन कहता है, हाँ वो बड़े वाले जहाज के पास है। कस्तूरी जहाज का नाम सुनते ही काफी घबरा जाती है और दौड़ते भागते बंदरगाह पहुंचती है, जहाँ राजा एक लाइन में लगा हुआ है। बंदरगाह का मालिक राजा को उसकी मजदूरी देता है। राजा की नजर कस्तूरी पर पड़ती है। राजा उसके पास आकर कहता है, माँ देखो मुझे यहाँ से कितने सारे पैसे मिले हैं। गुस्साई कस्तूरी उसे एक तमाचा मारती है और घसीटते हुए घर ले जाती है। अगले सीन में घर के अंदर मिट्टी के तेल का दिया जल रहा है। कस्तूरी कहती है, और कितनी बार मना करूं मैं तुझे उस बंदरगाह पर जाने से, तुझे एक बार में तो कोई बात समझ नहीं आती है। राजा रोते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि समुद्र में भूत रहता है, लेकिन वहां तो इतने सारे लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, उन्हें तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर मुझे कैसे कुछ हो जाएगा। कस्तूरी कहती है, सच में वहां एक भूत है जिसने आज तक ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। राजा कस्तूरी को जेब में रखे हुए पैसे देता है और कहता है, मैं देख रहा था माँ, इतने दिन से ना तुम बचा हुआ खाना मुझे खिला दे रही थी, लेकिन खुद कुछ भी नहीं खा रही थी, आज इन पैसों से ना हम भर पेट खाना खाएंगे। कस्तूरी उसकी बातें सुनकर ना रोने लगती है। अगले सीन में माँ और बेटे दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं। राजा कहता है, माँ तुमने कहा था ना कि पापा समुद्र के राजा थे, तो वो अब तक समुद्र में क्या कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर कस्तूरी सोच में डूब जाती है और यहाँ कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ कस्तूरी शहर के सबसे बड़े बंदरगाह के मालिक सुनील अय्यर यानी सत्यराज की पत्नी है। कस्तूरी सुनील से कहती है, पड़ोस वाली दीदी बता रही थी कि समुद्र में आजकल बहुत लुटेरे घूम रहे हैं जो लोगों को जान से मार देते हैं। सुनील तैयार होते हुए कहता है, हाँ ऐसा हो तो रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करना है, वरना हमारे देश को जरूरत का सामान कैसे मिलेगा। कस्तूरी को परेशान देखकर सुनील कहता है, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मुझे कुछ नहीं होगा और वैसे भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो तुम अपना ध्यान रखो। ऐसा कहकर सुनील बाहर चला जाता है। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन अब तक सुनील घर नहीं लौटा है। कस्तूरी बार बार कभी खिड़की की ओर जा रही थी, तो कभी दरवाजे पर, कभी 3-4 आदमी उसके घर आते हैं। कौन है ये लोग, आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तब तक आप स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।